तो आज हम बनाने वाले एक मजेदार चीज, हमने लैपटॉप में बनाया, मॉनिटर में बनाया, सब कुछ बनाया, आपने देखा भी, बट आज क्या सीन होगा चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कुछ इंटरेस्टिंग होगा, क्या इंटरेस्टिंग होगा, आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में जो कि डेल का है। ये हो गया पीसी भाई, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और ये होगा मॉनिटर। तो क्या डेस्कटॉप है, क्या मॉनिटर है, चलो ब्रीफली बात करते हैं। सिंगर था पहला चीज जो बना, ये फाड़ते ना इसका मजा और एक लगता है, लोग है ना, मेरे को मजा लगता है ये चीज में। चलो इसके अंदर कंपनी ने क्या दिया है देखते हैं। पहला हो गया ये बॉक्स, ये क्या कैरी करता है, ये आपका कीबोर्ड है। अंदर में आपको एडाप्टर मिलेगा, माउस मिलेगा, देख ही सकते हो, और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए जो कि बेकार है, नहीं चाहिए हमको, इसको साइड करते हैं। ये महाराज हमको चाहिए, तो ये है डेस्कटॉप, देख ही पा रहे हो कितना अच्छे से कंपैक्ट बना है ना। देखिए सर यहाँ पे क्रॉस पैटर्न डिजाइन है, डेल का लोगो है। अच्छा ये मैं उल्टा रख दिया, सॉरी। हाँ ये दिख रहा है अभी परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, ये लुक एंड फील के बारे में बताऊं, ये पूरा मेटलिक सरफेस है। तो यहाँ पे एक डुअल क्रॉस पैटर्न डिजाइन है, डेल का लोगो है। आईपैड हमने लिया है, इसमें आपको i3 में भी मिल जाएगा। और ये पावर बटन है, कार्ड रीडर है, इसमें आपको यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट भी दिया हुआ। भाई पीछे जाके देखेंगे, HDMI है, डीपी पोर्ट है भाई, मेन चीज है, ब्रांडेड में डीपी पोर्ट दे रहा है। और आपको यूएसबी दे रखा है, लैन भी दे रखा है, और ये पावर अडैप्टर। चलो मैं ब्रीफ करता हूं क्यों आप ब्रांडेड लो कंपैरिजन टू असेंबल। देखो दोनों का एडवांटेज मैं बता रहा था, ब्रांडेड क्यों, लेट्स से मैं एक मेडिटेंस का गेमर हूं या फिर एडिटर हूं, तो मैं क्या है, मैं असेंबल ले सकता हूं, ब्रांडेड भी ले सकता हूं, है ना। हालांकि ब्रांडेड थोड़ा महंगा पड़ता है, तो असेंबल में हम अपने हिसाब से असेंबल करवा सकते हैं। लेट्स से i5 में प्रोसेसर ले लूं, उसके साथ 4GB 6GB कुछ भी कार्ड ले सकता हूँ। मगर एक दिक्कत है, वो ऑब्वियसली असेंबल पीसी बेटर है क्योंकि कम प्राइस में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। लेट्स से मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ या फिर दूर जगह में रहता हूँ, जहाँ पे अगर मेरे को सर्विस लेना है तो मेरे को करीबन 100-200-300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट ईजी। एंड आज के रेट में हर कोई लोग बिजी रहता है अपने काम को लेके, उतना टाइम नहीं हो पाता है। इफ आर टेकिंग डेस्कटॉप ब्रांडेड वन, वेदर इट इज डेल और एनी कंपटीशन ब्रांड, तो क्या होगा, ऑन साइड सर्विस आपको मिल जाएगा, आपको कहीं पे जाने का दिक्कत नहीं है। दूसरा मेन चीज बताता हूँ, ब्रांडेड पीसी ले रहे हो तो आपको ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ऑफिस भी मिल जाता है, हालांकि असेंबल में नहीं मिल पाता, उसको हम खरीदना पड़ता है ना। तो आज ये जो पीसी लिए हैं, मैं ब्रीफ करता हूँ, ये जो पीसी है ये एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए है, एक यूट्यूबर है, छोटा मोटा एडिट भी करते हैं, तो इनको ये रिकमेंड क्यों किया गया, ये करीबन 300 किलोमीटर दूर रहते हैं तो उनको आने जाने का प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में बताऊँ, ये i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर लिए हैं, जिसमें आपको 8GB का रैम है और 512 का NVMe SSD दिया है कंपनी ने। विंडोज बाई डिफॉल्ट है और ऑफिस आपको 2021 दिया है। अगर खोल के देखते हैं क्या चीज़ दिया है कंपनी ने, और हम भी कुछ लगाए हैं वो भी दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली आप देख ही पा रहे हो, मैं कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोसेसर है, ये आपका SSD है जो कंपनी ने खुद दिया हुआ है। यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया हुआ है जो कि गीगाबाइट का है, 710 वाला। अभी पूछ सकते हो वाइट 710, भाई नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने रिक्वायरमेंट ही उतना है इसीलिए दिया, नहीं तो यू कैन यूज 1650 टेक्स कुछ भी।
और यहाँ पे एक आप 8 GB रैम कंपनी ने दिया हुआ है 3200 mAh का, हमने और एक रैम लगाया है जो कि क्रूशियल का है, वो भी 3200 mAh का है। यहाँ पे और एक चीज़ एडिशन हुआ है, आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क है सीगेट का है यहाँ पे। तो ये पीसी के बारे में बताऊँ, i5 का 12th generation प्रोसेसर, मतलब लेटेस्ट का प्रोसेसर है। आपको DDR4 का रैम 3200 मिलेगा। अब पहला चीज मैं बता देता हूँ, i5 11th generation में जो पावर आउटपुट जितना परफॉर्मेंस था, i5 11th generation से 12th generation का परफॉर्मेंस आउटपुट करीबन 30-40% बेहतर है, पहला चीज। दूसरा चीज, SSD जो हम यूज कर रहे हैं आज के रेट में, कंपनी जो यूज कर रहा है, दैट इज अप टू 3.5 GB/s, दैट इज अ बीस्ट वन। एंड थर्ड थिंग में बताऊं, रैम DDR4 3200 mAh का, हालांकि आप सबको पता होगा नहीं पता होगा मेरे को मालूम नहीं, मगर मैं बता दे रहा हूँ, DDR4 का सबको मालूम है भाई इतना इमेज तक देता है भाई, उसका स्पीड लिमिट भी होता है, उसका DDR4 का स्पीड लिमिट अप टू 32 GB/s है। आप समझ रहे हो कितना स्पीड है, बट डेंजर है, पूरा एडिटिंग करोगे आराम से चल जाएगा। और एक चीज, उनको स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क चाहिए था, हम हार्ड डिस्क लगा के दिए। तो मोटा मोटी ये जो एडिटिंग होगा, नॉर्मल एडिटिंग, रेंडरिंग और फोटोशॉप वगैरह सब करके देंगे। बाकी ये इसका और एक एडवांटेज मैं बताऊं, कंपनी ने ये जो पीसी बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको 62,000 में दे दे रहा है। उसका एडवांटेज पॉइंट है, आप 1 साल वारंटी इस पे बाय डिफॉल्ट है, 2 साल वारंटी बढ़ाओगे सिर्फ आपको खर्चा करना पड़ेगा 999 रुपये, जो कि आज के रेट में कभी कभार 699 ऑफर में भी छोड़ देता है। दैट मीन्स 3 साल के लिए टेंशन फ्री ऑन साइड, आपको हर किसी मतलब नेशनली आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ ऑन साइड से भी आपको मिल ही जाएगा। ब्रांडेड है, ओरिजिनल विंडोज चाहिए ही होता है सबको, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम अपडेट वगैरह मारते हैं ना, वो स्क्रैच हो जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। दूसरा चीज, 2021 का ऑफिस दे रहा है, मतलब A to Z आपको वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सब कुछ पूरा पैक्ड है, आराम से लो यूज करो। तीसरा मेन चीज, कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप को भी लेता ना, फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आता है भाई एंटीवायरस, भाई कुछ एंटीवायरस है, हम एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके डालना पड़ता है। बट डेल की लैपटॉप है तो 15 महीने का एंटीवायरस बाय डिफॉल्ट फ्री देता है, दैट्स अ गुड वन। तो ये सारा चीज हम अभी अपग्रेड जो किए, इनका टोटल खर्चा आया करीबन 70,000। अभी इसका मैं अगर आउटपुट बताऊं तो एक रेंडर फाइल आप इसमें करोगे, हाँ हालांकि इसमें और भी ज़्यादा हो सकता है, 1650 डाल सकते हो या फिर RTX GTX कुछ भी डाल सकते हो, मगर ये थोड़ा बजट में हुआ है। तो इसका आउटपुट अगर हाई एंड पीसी से कंपेयर करें तो उससे करीबन 20-30% कम होगा, मगर हाँ रेंडर ये करके देगा, बाकी सारा स्पेक लोडेड है। तो ये बेहतर डील है, आप अगर असेंबल्ड में जाना चाहते हो, आपका बजट वही 70 के आसपास है, एंड यू आर सर्चिंग फॉर गुड सर्विस, उसके साथ मेरे को एडिशन सब कुछ चाहिए होता है। जैसे हर किसी का प्रॉब्लम है कि दिमाग में आता है कि हम ब्रांडेड ले रहे हैं, वहाँ पे हम अपग्रेडेशन का इशू होता है, नहीं भाई होता है, वैसे कभी कभार क्या है ना, आपको स्लिम पीसी मिल जाता है, तो स्लिम पीसी अगर ब्रांडेड ले रहे हो उसमें आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज चेंजेस होता है, चीपर प्राइस में आता है। अगर ये नॉर्मल पीसी तक आप लोगे, उसमें आप SSD, RAM, हार्ड डिस्क कुछ भी, अलग से मैं प्रोसेसर चेंज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, वहाँ पे लिक्विड कूलर डाल, यहाँ पे तो लिक्विड कूलर नहीं लगेगा, फिर भी यहाँ पे मैं एयर कूलर, अच्छा से एयर कूलर जो आता है मार्केट में 3,000-5,000-6,000 कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं आज ही बताना चाहता हूँ कि आप अगर असेंबल से डेल ब्रांडेड में जा रहे हो, पहला एडवांटेज हुआ आपका सर्विस, कहीं पे भी जाओ नेस्ला आपको सर्विस मिलेगी। दूसरा चीज, इफ यू आर चूजिंग दिस टाइप ऑफ पीसी जो कि नॉर्मल मतलब साइज में आता है, तो वहाँ पे आप अपग्रेडेशन का फैसिलिटी ऑब्वियसली है। थर्ड थिंग, सपोर्ट जो भी है आप ना ऑफर में एक्सपेंशन वगैरह कर सकते हो। चौथा चीज मैं बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज के रेट में चल ही रहा है, आप अगर ये पीसी ले रहे हो आज के रेट में, आपको स्कैन एंड विन का ऑफर चल रहा है जो कि अप टू 10,000 तक ऑफर है, ये आपको मिल भी सकता है। कभी कभार ये भी JBL का गोडीज भी ऑफर आता है, जैसे ये बल्कि एयरबर्ड आता है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि प्राइस 8,000 करीबन होता है और वायरलेस स्पीकर का 6,000 होता है, तो वो वाला आप बेनिफिट ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 999 और आई थिंक 499 है, ये दोनों चीज। तो इतना तक था हमारा वीडियो, आज के डेट में वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट में बताना।
एंड ऑब्वियसली हाथ जोड़ के सबको थैंक यू कहूंगा, हमारे चैनल को आपसे बहुत सपोर्ट मिला, ऐसी सपोर्ट बना के रखिए, नीचे वाला सब्सक्राइब बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।